क्या एडिनोइडेक्टोमी ऑपरेशन जरूरी है? यस दोस्तों, बात करते हैं मायसेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों, एडिनोइड का आपने बहुत कॉमन समस्या देखा होगा। बहुत बार क्या है, डॉक्टर कहता है कि आपके बच्चे को एडिनोइड की समस्या है। हमें लगता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या इसका ऑपरेशन जरूरी है, कैसे हम डिसाइड करें। सो दोस्तों, बात करते हैं एडिनोइड। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि क्या है। नोज का जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है, जिसको हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, उस नेजोफेरिंक्स में एक टिश्यू होता है टॉन्सिल की जैसे, जो टिल द एज ऑफ द फोर ईयर हमारे बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। गॉड ने दोस्तों एक सिस्टम बनाया है कि आफ्टर द फोर ईयर द टिश्यू श्रिंक, यानी वो ऑटोमेटिक एट्रोफी होकर ख़त्म हो जाता है। कुछ बच्चों में दोस्तों एडिनोइड श्रिंक नहीं होता और उसके कारण बच्चे को क्लिनिकल कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सोचना जरूरी है। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या जो वो क्लिनिकल फीचर्स है। नंबर वन, बच्चा अगर आपको रात को सोते टाइम पे माउथ ब्रीदिंग करता है, उसको मुंह से सांस आता है, घर घर की उसकी आवाज़ आती है। दूसरा, उसके डेंटल स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हैं, आपने देखा होगा उसकी दंत पंक्ति जो है बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बच्चा बेड वेटिंग करता है, यस दोस्तों बहुत बार एडिनोइड की समस्या के कारण बच्चा बेड वेटिंग भी करता है। बहुत बार हम क्या पीडियाट्रिशियन के पास बार बार जाते हैं। सो बेड वेटिंग, लैक ऑफ अटेंशन, एंड बहुत बार क्या है कि जितना भी अपन खिलाते पिलाते हैं उसके बावजूद भी बच्चे का सेकेंडरी डेवलपमेंट नहीं होता है। बहुत बार जो है बच्चे के कान में दर्द और कम सुनाई देता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके बच्चे को चल रहा है और बच्चा 4 साल क्रॉस कर गया, सो दोस्तों हमें एडिनोइडेक्टोमी का सर्जिकल मैनेजमेंट कराना चाहिए। उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का रोल नहीं है। अगर हम उसको एडिनोइडेक्टोमी का सर्जिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, तो दोस्तों इसमें एक एंडोस्कोपिक माइक्रोडेब्राइडर से एडिनोइडेक्टोमी यानी एडिनोइड को रिमूव किया जाता है। करीब प्रोसीजर करीब जो है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है, एंड दूसरे दिन पेशेंट बच्चे की छुट्टी हो जाती है। बात करते हैं रिकवरी की, तो दोस्तों 3 या 4 दिन बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसमें बाहर से कोई चीर फाड़ टक्का पट्टी दर्द निशान बच्चे को नहीं होता। एंड ये दिमाग से मिथ निकाल दीजिए कि ये वापस भी कराना पड़ता है। ये अगर अच्छी टेक्निक से होता है तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। सो दोस्तों, देखा आपने एडिनोइडेक्टोमी की सर्जरी, एडिनोइडेक्टोमी का ट्रीटमेंट एक्टिवली हमें कब जरूरी है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द एडिनोइडेक्टोमी। थैंक यू।